मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। बिड़ला विधानसभा के गणपुरी में काफी बड़ी रैली होने वाली है। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री मनीष कुमार मौजूद हैं। मध्यवास के इतिहास की सबसे बड़ी रैली आप जा रहे हैं। देखिए, फरीदाबाद की हर रैली बड़ी होती है, ऐतिहासिक। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो, आज देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की हो, और कल होने वाली मुख्यमंत्री एक के बाद एक रैली, क्योंकि लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी में है और वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि देश को दशकों के बाद मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। इसका एक ही लक्ष्य है, देश, मेरा देश आगे। इसलिए लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर। 9 साल में मोदी सरकार ने जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए थी, वो ऐतिहासिक है, उनकी चर्चा होगी। और जो 25 जून को देश पर आधी रात में जो आघात था, हम नौजवानों को उसके बारे में भी अवगत करें। लोगों में काफ़ी उत्साह उत्साह पूरे देश में है मोदी जी के। कल फरीदाबाद में वो साक्षात लोगों को दिखेगा कि मोदी जी के प्रति लोगों का उत्साह और भरोसा कैसे लगातार बढ़ रहा है। ऐसे गर्मी के जून के महीने में भारतीय जनता पार्टी की रैली ऐतिहासिक होती है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि मोदी के प्रति लोगों का भरोसा कैसे बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल सर, पटना में विपक्षी दलों की मैं इतना कह सकता हूँ, पूरा पश्चिम में गाना था, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों को मैंने किया। ये शर्तों के साथ गठबंधन करने वाले लोग ये, और उंगली कोई नहीं कटाना चाहता, सब बीजेपी को, मोदी को हराना चाहते हैं। अपने दरवाजे दूसरों के लिए बंद हैं और दूसरों के दरवाजे अपने खुला रखना चाहते हैं। ये ममता भी कह रही है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस बंगाल में लड़कर बीजेपी का फायदा करना चाहते हैं। अखिलेश भी कह रहा है यूपी में लड़कर ये बीजेपी का फायदा करना चाहते हैं कि तेलंगाना में टीआरएस कह रही है। मतलब अपने दरवाजे उन के लिए बंद और दूसरों के लिए दरवाजे, और लोगों ने 2005 से लेकर 2014 देखी है। इनके काले कालों में खेल जाते हर दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को इन चांदी की खाली में खाने वालों ने कैसे गिरा, और इन 9 सालों में चाय बेचने वाले ने दुनिया के अपने घर खर्च कैसे बढ़ाया, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया, गाँव और गरीब के कल्याण के लिए हर योजना को जमीन पर उतारने का काम कैसे किया। इसलिए चाय बेचने वाले ने दुनिया में भारत का इतिहास बदल दिया, भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया, भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कहा। आज आंतरिक सुरक्षा हो, बाहरी सुरक्षा हो, आज परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सारी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल गणपुरी में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियों के जायजा और लेने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पहुंचे थे, और विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। राजा पटेल, फरीदाबाद, खबरें।